कल्चर की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और पाकिस्तानी सोसाइटी वी डिस्कस दिस मेन थिंग्स. आज हम थोड़ा सा इस बात पे नज़र डालते हैं कि जो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की जो मेजरली पाकिस्तान को डील करनी पड़ती हैं या पाकिस्तानी माशरे में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं वो क्या हैं द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ओवर पॉपुलेशन आबादी में इजाफा ओवर पॉपुलेशन ज़ बेसिकली आ प्रॉब्लम इस वजह से कि जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी रिसोर्स वो चीज़ें जो हमें सहूलतें मुहैया करती हैं या हमें फैसिलिटीज़ देती हैं उन को इतने ज़्यादा लोगों को केटर करना मुश्किल होता जाएगा फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आज से पंद्रह साल पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने पचास हॉस्पिटल बनाए थे और उस वक्त शायद आबादी हमारी एक सौ पैंतीस मिलियन एक सौ पचास मिलियन थी आज हमारी आबादी 212 मिलियन से ज़्यादा है सो so, इतने ज्यादा इंक्रीज़ को वो 50 हॉस्पिटल खाली नहीं कैटर कर सकते अब क्योंकि आबादी बढ़ गई है तो उन हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी है उसी तरह एजुकेशनल फैसिलिटी उसी तरह गैस उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह वाटर जो बेसिक नेसेसिटी जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरिया हैं वो उनकी जो रिजर्व हैं वो कैटर नहीं कर सकते आबादी की इस बढ़ती हुई शराह को अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ ज़्यादा बनाई जाएं लेकिन फैसिलिटीज को बनाने के लिए ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत है एंड इंक्रीज इन फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है पैसा एक ऐसी चीज है जो ओवर द टाइम ही इकट्ठा होता है सो so करंटली ये सिचुएशन है ओवर पॉपुलेशन एक बेसिक मेजर सोशल प्रॉब्लम है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जिन लोगों को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज अलॉट डिसऑर्डरली कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड क्लिनलीनेस हाइजीन सफाई सुथराई तंदुरुस्ती ये ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं अगर है तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से डिजीजेस मोजी अमराज वो बढ़ते हैं लोगों की हेल्थ खराब होती है मूविंग ऑन इलेक्ट्रिसी एंड इग्नोरेंस इलेक्ट्रिसी और इग्नोरेंस दो मुख्तलिफ चीजें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट उनका नतीजा उनका इफेक्ट उनका असर एक जैसा है इलेक्ट्रिसी इज तालीम का ना होना जाहलीत जिसको हम एग्जैक्ट अगर उर्दू वर्ड में कहें इग्नोरेंस इज बेसिकली स्टेइंग इन द डार्क अंधेरे में अपने आप को रखना इंटेंशनली या अन इंटेंशनली सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स लीड्स टू अन अवेयरनेस इस बात की आगाही ना होना कि हम इंसानों को या हम पाकिस्तानियों को या एज अ नेशन एज अ कॉम हम लोगों को किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए अपनी नीयतें साफ रखनी चाहिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फूड अडल्ट्रेशन मिलावट खाने में चीज़ों में सो so, हमें अपनी जो नीयतें हैं वो भी साफ रखने की ज़रूरत है सो येस इलिट्रिसी एंड इग्नोरेंस ये दोनों सोशल इवल्स हैं और ये बहुत बुरी तरह से हमारे माशरे में फैले हुए हैं वीक इकॉनमी इन पॉवर्टी वीक इकॉनमी हमारी मीशत पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग नहीं है इतनी मुस्तकम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डिवेलपिंग कंट्री पाकिस्तान ने पिछले सत्तर से ज़्यादा साल, सालों में जब से आज़ादी हासिल की है तब से तरक्की की तरफ अपनी राह बनाई है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं लेकिन स्टिल पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इट इज़ अ डिवेल्पिंग कंट्री इन इट येट हैज़ टू बिकम डिवेल्प कंट्री सो उसके लिए ये मीशत आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर बनेगी लेकिन राइट नाउ अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस अभी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि इकोनॉमी मीशत वीक है तो मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, नहीं होगा तो इट विल लीड बैक टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स कि वो जो बेसिक नेसेसिटीज जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो लोगों को नहीं फरह हो रही पॉवर्टी गुर्बत अगेन वीक इकॉनमी इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू गुरबत अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा ऑबियसली गुरबत भूख बढ़ेगी बीमारियां बढ़ेंगी लोगों की मौतें ज़्यादा होंगी सो so ये वो चीज़ें हैं जो सोशली भी हमारे मुल्क को हमारे माशरे को बहुत अफेक्ट करती हैं अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कि जो मुल्क की दौलत है या मुल्क का पैसा है वो कुछ हाथों में क्यूमिलेटेड है क्यों क्योंकि हमारे मुल्क में जो अपर क्लास है या जो पैसा है वो कुछ ही परसेंटेज के लोगों के हाथ में है सो so, बाकी जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की वो या तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में डिवाइडेड है सो दिस इज़ द डिस्पैरिटी ये डिफरेंस है बिटवीन कि जो रिच है वो रिचेस्ट है और जो पुअर है वो पुअरेस्ट है सो so, ये अनिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सोशल कॉज है क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके पास इतना बे है कि वो जिंदगी की सहूलियत बेसिक सहूलियात के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं और जिनके पास नहीं है उनके पास इतना नहीं है कि शायद उनके पास कुछ बहुत सारे लोग उनके पास पीने को पानी नहीं है सो यस दीज आर दोशल प्रॉब्लम विच प्लेग आर सोसाइटी जो हमारे माशरे में बुरी तरह फैली हुई है और इनको ठीक करने के लिए हकूमत तो इकदमा कर ही रही है और करेगी भी हमें अब एक माशरे का जिम्मेदार हिस्सा होने के नाते उसमें अपना पार्ट भी प्ले करना चाहिए अगर अब हम अपने माशरे से आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज की अपनी जबान की जबान वाई इज़ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट एक्सलेंट फॉर कम्युनिकेशन अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे की बात समझने के लिए कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट और उस कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इज़ नेसेसरी अब अगर हम किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ जहाँ पे लैंग्वेज जैसे जर्मन है फ्रेंच है डच है पोर्चीज़ है सो so, अगर हम किसी ऐसे दुनिया के हिस्से में चले जाएं तो हमें उनकी ज़बान समझ नहीं आएगी और उनको हमारी समझ नहीं आएगी तो वी के नॉट कम्युनिकेट इसी तरह अगर कोई बाहर से पाकिस्तान आ जाए जिसको उर्दू नहीं आती उसके लिए भी कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज ज़बान की अहमियत यह है कि एक जगह की या एक रीजन की या एक मुल्क की नेशनल लैंग्वेज एक इसलिए रखी जाती है ताकि थ्रू आउट द कंट्री पूरे मुल्क में वो जबान बोली जाए और समझी जाए सो यस पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू अब इस बात पे नज़र डालते हैं कि उर्दू ये लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई इसकी हिस्ट्री क्या है और जिस उर्दू को आज हम जानते हैं कि वो हरूफ से बनी है कि एक डायलेक्ट है उसका एक एक्सेंट है देन यू हैव लेटर्स इन इट देन यू हैव वर्ड्स इन इट वो कैसे इवॉल्व हुआ लेट्स टेक अ लुक नेशनल लैंग्वेज इट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू नेशनल लैंग्वेज है हमारी मीन ऑफ कम्युनिकेशन है उर्दू इज अ टर्किश वर्ड मीनिंग आर्मी उर्दू बेसिकली तुर्की जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है आर्मी लश्कर इसकी एक हिस्ट्री है अब वो हिस्ट्री क्या है जब मुस्लिम रूल था साउथ ईस्ट एशिया में मुगल एम्पायर डेट्स वॉट वी कैन टॉक अबाउट तो डिफरेंट पीपल वर रिक्रूटेड इन आर्मी आर्मी को उस वक्त लश्कर कहा जाता था लश्कर के अंदर बहुत सारे लोग भर्ती किए जाते थे अब कोई हिंदू है कोई हिंदी बोलता है कोई मुसलमान है तो अरबी बोलेगा कोई टर्किश बोलेगा कोई हिंदुस्तानी बोलता है कोई दक्कन बोलता है कोई सिंधी बोलता है सो यस वैरायटी ऑफ पीपल जिनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी है लेकिन वो इकट्ठे एक जगह पे आए अंडर द लश्कर अब वैन दे कम अंडर वन रूफ या एक जगह पे वो भर्ती होते हैं तो ऑब्वियसली वो आपस में जब मिलेंगे तो बात करेंगे कम्युनिकेट करेंगे सो so, इस तरह ये लैंग्वेज आपस में मिक्स होना शुरू हुई मिलना शुरू हुई लोगों ने एक दूसरे से बात करके बात समझने की कोशिश की दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज उर्दू एक ऐसी कॉमन जबान जो ये सारे डिफरेंट एथनेसिटीज़ वाले या डिफरेंट रीजन वाले लोग समझ सकें उर्दू एक ऐसी जबान है जो 70 परसेंट सेवेंटी परसेंट फारसी से परजियन से अपने वर्ड्स लेती है बाकी 30 परसेंट जो है इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें हिंदी भी है जिसमें सिंधी भी है जिसमें बलोची भी है जिसमें दकनी भी है जिसमें देहलवी भी, भी है सो यस दिस लैंग्वेज इज अ मर्ज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में इसको हिंदवी के नाम से जाना गया हिंदवी के बाद हिंदी फिर हिंदुस्तानी और फिर रेख्ता रेख्ता इज अ नेम विच टुक अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ये काफ़ी अरसे तक रही और जैसे जैसे ये नाम की एवोल्यूशन हुई वैसे वैसे शायरों का मुसनफ़ों का इसमें जो किरदार है वो इम्प्रूव होता गया पोएट्स एंड राइटर्स दे चेंज दे इम्प्रूव जब हिंदी कहते थे तो तब जो फेमस पोएट थे अमीर खुसरो थे अमीर खुसरो एक फेमस शायर थे हिंदी लैंग्वेज के जब इसको रेख्ता कहा गया तो मुशफ़ी वॉज अ फेमस पोइट वो एक मशहूर थे फिर इसको उर्दू का नाम दिया गया उर्दू में मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक ये बहुत मशहूर नाम है और ये वो लोग हैं जिनका उर्दू लिटरेचर में बहुत बड़ा हाथ है इसको डेवलप करने में इसको बनाने में क्यों क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो आर्ट है जो कला है उसको इन लोगों ने अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाया यू नो पेन इज़ माइटियर देन देंड और अब एज ए लैंग्वेज उर्दू को इन लोगों ने चूज़ किया सो so, अगर मिर्ज़ा गालिब ने अपना दीवान लिखा दीवान इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ पोएट्री या अपने कुछ इशार लिखे तो वो उर्दू लैंग्वेज यूज करके लिखे जिससे उर्दू का फ़रोग भी बढ़ा क्योंकि जितने लोगों ने पढ़ी उनको उर्दू समझ भी आई उन्होंने उर्दू जानी भी और पहचानी भी सो यस दीज पोएट्स हैव ह्यूज हैंड इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड उर्दू लिटरेचर अब अगर आगे बात करें सो so, जो लैंग्वेज उर्दू शुरू हुई साउथ ईस्ट एशिया मुगल एम्पायर से वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग अपने उस रीजन से बाहर गए तो उन्होंने उस लैंग्वेज को फरोक दिया उसको बढ़ाया द लैंग्वेज स्प्रेड एंड वेन इट स्प्रेड तो उसमें एक अहम किरदार आया शाहजहां का शाहजहां ने कैपिटल जो था वो अपनी एम्पायर का शिफ्ट कर दिया आगरा से दिल्ली पहले आगरा कैपिटल था लेकिन फिर उसने शिफ्ट करके उसको दिल्ली बना दिया सो शाहजहां शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली देन फ्रॉम आगरा उस वक्त जो लैंग्वेज थी जो इसकी शेप थी इट वॉज नोन एज लश्करी इन दिल्ली लैंग्वेजेस इसको दिल्ली और लश्करी जबान के नाम से जाना गया बाद में शाहजहां के जोर पे बिकॉज ही वॉज द एम्पर एट दैट टाइम वो उस वक्त हुक्मरान था उसको कहने पे उसको उर्दुए मोल या दहलवी लैंग्वेज का नाम दिया गया मूविंग ऑन दिस लैंग्वेज देन रीच्ड दकन एंड गुजरात जब ये दक्कन और गुजरात के रीजन में पहुंची तो इसको दक्नी और गुजराती लैंग्वेज के नाम से जाना गया ये वो रीजन था हेयर रिच पीपल मेड स्पेशल एफर्ट्स फॉर इट्स डेवलपमेंट अब गुजरात और दक्कन बहुत अमीर रीजन था क्यों क्योंकि यहाँ पे नवाब रहते थे और ये वो लोग थे जिन्होंने फिर क्योंकि इस लैंग्वेज को अपनाया तो इसके फरोग के लिए उन्होंने काम भी किया और इसकी डेवलपमेंट के लिए भी एफर्ट्स डाले तो जब उन्होंने एफएच डाले तो ऑब्वियसली शायर इन्वॉल्व हुए मुसनफ़ इन्वॉल्व हुए दीवान छपे उर्दू में चीज़ें लिखी गई सो दिस वॉज इन इराज जहाँ पे उर्दू ने सही फ़रक़ पाया इन इट स्प्रेड टू मोर देन हाफ सब कॉन्टिनेंट बिगनिंग ऑफ उर्दू पोइट्री उर्दू शायरी का आगाज़ ये कब हुआ सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही वॉज अ फेमस राइटर इन्होंने एक दीवान लिखा दीवान कहते हैं शायरी के मजमू को कलेक्शन ऑफ पोइट्री इस में इन्होंने जो जबान लैंग्वेज जो इस्तेमाल की वो थी उर्दू फिर वली दक्नी ऑबियसली एज द नेम सजेस्ट दक्कन से बिलोंग करते थे ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा मीर तकी मीर ख्वाजा मीर दर्द ये वो कुछ ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपना कलाम अपनी शायरी उर्दू लैंग्वेज में की और इस तरह उर्दू को स्प्रेड भी किया और अपने ख्याल का इजहार भी लोगों तक पहुँचाया बिकॉज राइटिंग वॉज बाई पीपल टू कन्वे देयर था लिखाई को बेशक वो शायरी हो बेशक वो नसर हो उसको इस्तेमाल करके आगे पहुंचाना इस बेसिकली उस लैंग्वेज को फैलाना अब क्या बारी आई अब बारी आई अवध और लखनऊ की सो उर्दू स्प्रेड टू स्टेट्स ऑफ अवध एंड लखनऊ यहां पर उर्दू जबान में बहुत ज्यादा एडिशन हुए ना सिर्फ शायरों में या शायरी वाइज नसर वाइज भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत एडिशन किया गया गज़ल लिखनी शुरू की गई आर्ट ऑफ मरसिया मरसिया पढ़ना शुरू किया गया अनीस और दबीर ये दो बहुत फेमस और मशहूर और इम्पॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की टूवर्ड्स तो उर्दू लैंग्वेज क्यों क्योंकि इन्होंने अपने भी कलाम जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज में लिखे नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी का आगाज़ हुआ इसमें नज़म राइटिंग इसको थीमेटिक राइटिंग कहते हैं नज़म जिसमें आप किसी एक थीम के ऊपर अपनी पूरी शायरी करते हो ये इस राइटिंग ने फरोख पाया जब नज़म लिखना शुरू की गई तो स्टीम पोइट्स लाइक जौक मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर इनका नाम सर फहरिस्त आया क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इस ज़माने में उर्दू लैंग्वेज के फरोख के लिए काम किया और अपने कलाम के लिए उर्दू इस्तेमाल की जबान का फैलाव सिर्फ बोलने से नहीं लिखने से और पढ़ने से भी होता है बिकॉज लिटरेसी बेशक किसी भी लैंग्वेज की हो इन्वॉल्व रीडिंग एंड राइटिंग बोथ द थिंग्स बोलना और लिखना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्जा गालिब का अगर नाम लिया जाए तो इनकी बेानतहा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड तो उर्दू लैंग्वेज लेकिन ये सिर्फ शायरी में नहीं प्रोज में नसर में भी है फिर बात आई मौलाना हाली की मौलाना हाली ने मुसदस लिखा मुसदस वॉज अ सिक्स लाइन कोट शायरी का एक हिस्सा है एक टाइप है एक तरीका है इस मुसदस के थ्रू उन्होंने हमारी हेरिटेज को रिवाइव किया वो वो इफेक्ट वो इम्पैक्ट वो असर वापस लेके आए जो शायद मुगलिया दौर में था इन द लिटरेचर इन द आर्ट लिखाई के तौर पे। सो यस ही इंट्रोड्यूस्ड मुसदस इन उर्दू लिटरेचर एंड द पोट्री फिर इरा आया पोइट ऑफ द ईस्ट इलामा मोहम्मद इकबाल का ही वज द वन जिनकी फिलोसफी और पोइट्री इट मूव्ड ऑल द मुसलिम्स क्यों क्योंकि ये वो वक्त था जब पीपल और द पीपल ऑफ़ द सब कॉन्टिनेंट या अगर हम मुसलमानों को कहें वो अपनी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान बनने के लिए लड़ रहे थे और इलामा इकबाल ने अपनी पोइट्री को यूज़ किया मुसलमानों को बेदार करने के लिए उनके अंदर ये इनकजमेंट पैदा करने के लिए कि येस वी आर सेपरेट पीपल वी हैव सेपरेट आइडेंटिटी वी हैव सेपरेट हेरिटेज और हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है इस्टीम्ड कल्चर सिविल एंड आइडियोलॉजिकल इनहेरिटेंस और इस बात का एहसास देया कि हमारा जो कल्चर है हमारी जो हेरिटेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिस्पेक्टेबल है सो so हमें उसको वापस लाने की जरूरत है इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉलो द ऑफ़ द ब्रिटिश रूल इट्स बेटर टू गेट बैक टू आवर ओन हेरीटेज इलामा इकबाल की जो कोशिशें थी या जो काविश थी इट वॉज प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर उन्होंने उर्दू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एडिशन किए इलामा इकबाल का कोई भी कलाम पढ़ लें पकड़ लें जिसमें जैसे अगर आप बात करें बांगे दरा की फिर आप शिकवा की बात करें फिर आप जवाब शिकवा की बात करें सो यस ही रोट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पोइट्री और उससे उन्होंने मुसलमानों को मूव भी किया देन केम द रोल ऑफ प्रोज राइटर्स अब हम बात करते हैं नसर लिखने वालों की अगर हम उस रोल की बात करें तो जहाँ शायरी में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशनस थी तो नसर में कॉन्ट्रीब्यूशन आई आफ्टर दॉीन फिफ्टी सेवन अठारह सौ सत्तावन की जंग के बाद जब मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और ब्रिटिश राज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने जुल्म ओतम बढ़ा रहे थे तो तब सर सैयद अहमद खान ही बिकेम द लाइट फॉर मुस्लिम्स उन्होंने आर्टिकल्स लिखे मैगजीन्स लिखे उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश में इसलिए लिखे ताकि वो मुसलमानों की जो बात है वो कम्युनिकेट कर सकें टू द ब्रिटिशर्स और उर्दू में जाहिर सी बात है वो उर्दू लैंग्वेज को फ़रोक देना चाहते थे ही वॉन्टेड उर्दू टू बिकम अ पार्ट ऑफ़ एजुकेशनल सिस्टम दूसरा वो मुसलमानों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे तो उर्दू वॉज द ओनली वे टू कम्युनिकेट सो जो प्रोज राइटर्स हैं उनमें इन लोगों का नाम आया फिर ओबियसली विद द विद द दफ़र्ट्स ऑफ इलामा इकबाल एंड सर सैद अहमद ख़ान देन केम कायद ऑफ हु बिकेम द पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग

नवीसी के नाम से जानते हैं सो so, ये वो चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि आज़ादी मिल गई थी तो उर्दू के लिटरेचर में और उर्दू जबान में एज ए लैंग्वेज ये एडिशंस किए गए सो हेयर वी एंड आर टूडेज लेक्चर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़